हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और आज हम देखेंगे बी फार्म फर्स्ट सेम का पेपर, जो कि फर्स्ट सेम बी फार्म फर्स्ट सेम में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका अक्सर क्वेश्चन होता है कि पेपर कैसे आता है, कितने मार्क्स का आता है, कितना टाइम मिलता है और क्वेश्चन कितने होते हैं और कैसे क्वेश्चन आते, टफ ईजी। तो आज हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि 2019 का है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। तो इससे उन्हें पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ईजी टफ। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं आता है टफ, ज़्यादा ईजी आता है, देखते हैं। और अटेम्प्ट्स एनी फाइव क्वेश्चन, जो एट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एट आते हैं जिसमें हमें फाइव अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसमें बी ऑप्शन भी है, ब्रीफ अकाउंट ऑन सोर्स ऑफ एरर्स। जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन एंड राइट मेथड ऑफ एस्टिमेशंस ऑफ सोडियम बेंजोएट। फोर्थ क्वेश्चन, डिटेल अकाउंट्स ऑफ मोहर मेथड्स विथ एग्जाम्पल एंड गिव प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड ब्रीफ अबाउट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज पोलोग्राफी, एक्सप्लेन एलोविक इक्वेशन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री कैलोमल इलेक्ट्रोड, नॉन प्रिसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन कर्व, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, आइडोमेट्री एंड आइडोमेट्री। जो कि हमें इसमें तीन एनी थ्री करनी है शॉर्ट नोट्स। इसमें एट्थ क्वेश्चन आती है जिसमें हमें फाइव अटेम्प्ट करनी होती है, इसमें हमें